हेलो गाइस, वेलकम टू फूड फन एंड फैक्ट्स विद वर्षा इन हिंदी। आज हम बनाने जा रहे हैं मिक्स्ड वेजिटेबल सिंधी स्टाइल में, जिसे हम कहते हैं सेयल भाजी। काफी फ्लेवरफुल होती है। ऑफ कोर्स बहुत सारी सब्जियां होती है, सबका फ्लेवर होता है, मसाले उनमें मिक्स होते हैं, बहुत डिफरेंट है, आप जरूर जरूर ट्राई करें। तो चलिए देखते हैं इसके लिए मैंने क्या क्या लिया है। इसके लिए मैंने कुछ बैंगन लिए हैं, भिंडी ली है, आलू, और ये जो मोटी मिर्च होती है ना वो भी इसमें डलती है, और एक्चुअली अगर आपके पास छोटे छोटे प्याज हो तो भी वो इसमें डलते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, स्टफ्ड होते हैं सब। सारी सब्जियों को हमें मसाले से स्टफ करना है और सबको साथ में पकाना है। इसके अलावा मैंने छोटा अदरक का टुकड़ा, लहसुन और काफ़ी सारी हरी मिर्च ले ली है। इसके अलावा ये बहुत सारे मैंने सूखे मसाले लिए हैं, जिसमें ये है भुना हुआ जीरा पाउडर 2 छोटी चम्मच, 1 छोटी चम्मच मैंने लिया है चाट मसाला, 2 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1 से 2 छोटी चम्मच हल्दी, और 3 छोटी चम्मच मैंने लिया है धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, जितना आप तीखा खाना चाहें, और ऑफ कोर्स लगेगा तेल। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि जो मिर्ची है हरी मिर्च, इसकी मैं डंठल निकाल के ये सबको धो के इस सबका मैं पेस्ट बना लेती हूँ, अदरक लहसुन और हरी मिर्च का। अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट रेडी है। ये जो सूखे मसाले हैं इन सबको मिक्स कर लेंगे, और इसको इसके साथ अदरक लहसुन हरी मिर्च सबको एक साथ करके एक साथ मसाला तैयार कर लेंगे। मसाला हमारा रेडी है। मैं नमक बताना भूल गई थी आपको, तो मैं इसमें अब नमक भी डाल रही हूँ, फिर से मिक्स कर दूंगी इसे सारे मसाले को। सब्जियां हमारी हमने धो के रेडी रखी हैं, अब बस इस मसाले को सब्जियों में हमें भरना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ इस सब्जी बनाने के लिए, इसको निकाल लेते हैं, बैंगन को इस तरह से कट कर लेते हैं, और चाकू के ऊपर वाले टोक से इस तरह से इसमें स्लिट बना लेते हैं ताकि मसाला अंदर तक जाए, इस तरीके से। अब ये मसाला इसमें इस तरह से भर देंगे, ज्यादा प्रेस करके डालें मसाला ताकि अंदर तक जाए मसाला। इसी तरीके से मैं बाकी के बैंगन भी कर लूंगी। सेम हम ये जो मिर्ची है इसमें भी इसी तरीके से मसाला भर देंगे। अगर मिर्ची आपकी तीखी हो तो आप बीज निकाल लें, मेरे में तो ज़्यादा बीज भी नहीं है और ये इतनी तीखी भी नहीं है, तो मैं इसमें ये मसाला भर रही हूँ। अब हम आलू स्टफ करेंगे। तो ये जो आलू है इसके मैं छिलका नहीं निकाल रही हूँ, ये छिलका देखिए एकदम साफ वाला है, तो इसको निकालने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। और ये मैं इस तरीके से आलू के ऐसे मोटे मोटे चकते बना रही हूँ। मैंने इस आलू के 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे स्लाइसेस बनाए हैं, और सेम जैसे हमने बैंगन में किया था वैसे ही हम इस तरह से इसमें चाकू की सहायता से स्लिट्स बना देंगे। जैसे ये मसाला, ये स्लिट्स वाले आलू रेडी हैं, देखिए इसमें अब हम मसाला भर देंगे। अगेन थोड़ा मस लेंगे इसे मसाले से ताकि मसाला नमक अच्छे से अंदर तक जाए। तो ये इस तरह से मैं अब भिंडी को भी कर रही हूँ। भिंडी को मैं आपको बताती हूँ, एक भिंडी लेंगे, इसका ऊपर का ये सेक्शन नीचे का निकाल के और बीच में इस तरह से स्लिट करेंगे, इसे खोलेंगे और ये इसमें भर देंगे मसाला। अब इस सब्जी को फ्राई करने के लिए मैं करीब 3 बड़े चम्मच इसमें तेल डाल रही हूँ, और इसे ये गर्म हो गया है ऑलरेडी पैन, इसमें हम सब ये सब्जियां इस तरह से अरेंज करेंगे कि ताकि उन्हें हिला, ऐसे हमें उन्हें बहुत तेजी से नहीं हिलाना है, बस पलटना है। तो सारे आलू एक साथ रख रही हूँ, बैंगन मैं एक साइड में रख रही हूँ ताकि एक दूसरे के ऊपर न चढ़े सब्जियां, और पैन भी आपको ऐसे चौड़ा सा लेना है।
करीब 2 मिनट तक मैंने इसे पकने दिया था मीडियम आंच पर। तो अब हम एक स्टोव की सहायता से जो सारी सब्जियां हैं उन्हें इस तरह से पलटा देंगे सब इसी तरीके से, दोनों साइड से सारी सब्जियां अच्छे से पक जानी चाहिए। इसी हिसाब से हमें इसे अरेंज भी करना है ताकि ये पलटाने में आसान हो। देखिए सब कुछ सब्जियां अच्छे से पक गई हैं, तो जो पक गई हैं उनको आप उठाकर ऊपर रख सकते हैं और जो नहीं हैं पकी हैं उन्हें नीचे तेल में रख सकते हैं। जैसे ये मिर्ची को मैं नीचे यहाँ, तो इसी तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा। इसको मैं इसमें डाल देती हूँ, जैसे ये शायद अभी नहीं, सब्जी हमारी बनके रेडी है। देखिए मसाला एकदम अच्छे से कुक हो गया है और एकदम अच्छी सी लेयर आ गई है सब पे। सब्जी बनके रेडी है। इसे गर्मा गर्म फुलके के साथ सर्व करें और प्लेन सी दाल हो, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन जाता है। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं आपको मिलती हूँ अगले एपिसोड में। बाय बाय।